से 40 वर्ष आयु के सभी छोटे और सीमांत किसान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। झारखंड में अब तक 1,16,000 किसानों ने इस योजना के लिए अपना नाम दर्ज कराया है। केवल 2 हेक्टेयर के कृषि योग्य जमीन वाले छोटे और सीमांत किसानों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने झारखंड के साहेबगंज में विभिन्न प्रकार के यातायात साधनों के मल्टी मॉडल टर्मिनल का लोकार्पण किया। ये नदी तट पर बना भारत का दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल है। उन्होंने रांची में डिजिटल संचार प्रणाली के जरिए इस टर्मिनल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने झारखंड सचिवालय के नए भवन की आधारशिला भी रखी। उन्होंने रांची के धुरवा क्षेत्र में झारखंड विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन भी किया। श्री मोदी ने देशभर में 462 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का भी लोकार्पण किया। इनमें से 69 विद्यालय झारखंड में होंगे। प्रधानमंत्री ने छोटे व्यापारियों के लिए व्यापार स्वरोजगार पेंशन योजना का भी शुभारंभ किया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार अर्थव्यवस्था और निर्यात बढ़ाने के लिए साहसी कदम उठाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार अगले 5 वर्षों में अरबों डॉलर का निर्यात करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। नई दिल्ली में आज व्यापार बोर्ड की बैठक को संबोधित करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार निर्यात ऋण के लिए एक योजना बनाएगी। वाणिज्य